एजेक्स एक इलाका है टोरंटो के करीब। ये उसकी मस्जिद उस्मान है जहाँ इस वक्त मैं मगरिब की नमाज के लिए दाखिल हो रहा हूँ। आसपास मुसलमानों के घर हैं और कार पार्किंग जो है वो फुल भर चुकी है क्योंकि आसपास काफ़ी मुसलमान रहते हैं। यहाँ भी देखिए आप, दरख्तों के पत्ते कलरफुल हो गए, ये झड़ जाएंगे थोड़े दिनों में। और ये मस्जिद से बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका है मगरिब की नमाज के बाद, और जैसे हमने कहा था दिन छोटे होने की वजह से यहाँ लोगों के मिजाज में थोड़ी सी एंजाइटी और थोड़ी सी डिप्रेशन वगैरह हो जाती है। तो मेंटली इसके लिए भी तैयार होना चाहिए लोगों को कि जहाँ रोशनी होती है, सूरज देर तक निकला रहता है उन इलाकों के लोग, और जहाँ आधा साल दिन छोटे होते हैं और जल्दी रात हो जाती है, वहाँ के लोगों के मसाइल और उनके मिजाज पर इसके क्या असरात होते हैं, इसका थोड़ा इदराक होना चाहिए पहले से। सब कुछ तस्वीरों में और वीडियो में जैसा नज़र आता है, और वहाँ जाके रहने में, वहाँ वक्त गुजारने में, वहाँ एक्सपीरियंस करने में इसी तस्वीर मुख्तलिफ होती है। लेकिन मौसम जैसा भी हो, आपके घर गर्म होते हैं, आपकी गाड़ियों में हीटर होता है, जिन दुकानों पर खरीदारी के लिए आप जाते हैं वहां हीटिंग का बंदोबस्त होता है, तो मौसम से आपको उस तरह नहीं लड़ना पड़ता जैसे कि आप सोच रहे होंगे। नए लोगों को बहुत अजीब सा लगता है कि गलियों में सन्नाटा होता है, लोग चलते फिरते नजर नहीं आते, कैसे आएंगे? अगर मौसम इतना ठंडा होगा तो किसका दिल चाहेगा। और वैसे भी यहाँ इतनी आबादी नहीं है ना इतनी गुंजाइश है, लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, गाड़ियों में वापस आके गाड़ी खड़ी करके घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो आपको वो इंडिया पाकिस्तान की तरह चहलकदमी, आते जाते लोग, हाय हेलो करते हुए लोग, वो नजर नहीं आएंगे। तो ये बात भी जहन में रहे। बहुत खामोशी होती है, बहुत सुकून होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। ना ग्रिल लगा है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना हर वक्त कोई सिक्योरिटी घूम रही है, ना पुलिस है, लेकिन एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिस पर आप भरोसा करते हुए यहाँ महंगे महंगे घर लेते हैं, कीमती सामान रखते हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर दूर दराज जाते हैं। आपको किसी लम्हे कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, या अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है तो जब आप आवाज़ देंगे 911 पे तो आपकी मदद के लिए पुलिस आएगी और आपको भरपूर तहफ़ मिलेगा। वो पुलिस जो आपके टैक्सों के बदौलत अपनी तनख्वाहें वसूल करती है, वो आपकी हिफाजत वाली जॉब भी करती है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप कीमती नई गाड़ियाँ बाहर खड़ी करें और कोई आकर उसको नुकसान पहुंचा दे। इक्का दुक्का वाकयात तो होते रहते हैं, और दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो इससे महफूज हो, लेकिन मजमूई तौर पर कनाडा का शुमार दुनिया के पुरमन ममालिक में होता है, और यहाँ जो चीज़ें वसूल करते हैं उसमें से सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ बहुत आपको अमन और सुकून और ज़िंदगी बहुत इस हवाले से अच्छी है कि आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं है। थोड़े दिनों में बर्फ़ पे गाड़ी चलाना दुश्वार होता जाएगा। तमाम कार इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को बता दिया होता है कि उन्हें हर साल अक्टूबर की 22 तारीख तक या 20 तारीख तक अपने अपनी गाड़ियों में विंटर टायर डाल लेने चाहिए। जो लोग विंटर टायर नहीं डालेंगे तो उनके एक्सीडेंट की सूरत में उनको वो कवरेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर गाड़ी में भी दो तरह के टायर डालने होते हैं आपको, एक समर और एक विंटर।
इस वक्त शाम के 6:06 हुए हैं और ये नवंबर का महीना है। तो आप सोचिए कि दिसंबर में फिर और दिन छोटा हो जाएगा, नमाजों के औकात बदल जाएंगे, पीछे की तरफ आ जाएंगे और बहुत कुछ बदल चुका होगा। जब हम यहाँ समर में आए थे तो जो ज़िंदगी और जो लाइफस्टाइल हमने समर का देखा था वो आज हम इस मौसम में नहीं देख रहे हैं और ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि आने वाले दिनों में हमें एक दुश्वार और निस्बतन मुख्तलिफ ज़िंदगी का सामना होगा। कनाडा आने वाले लोग ये वीडियो देखकर ये सवाल ज़रूर करेंगे कि हम क्या एहतियात करें, हम क्या चीज़ें लेकर आएँ, क्या कपड़े रखें अपने लिए। तो जो कपड़े आपको अपने मुल्कों में मिलते हैं इस सर्दी से बचने के लिए वो काफ़ी नहीं है। आपको यहाँ आकर जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको यहाँ के मुताबिक जैकेटें जिसमें सर ढांपने वाली टोपी भी होती है और लंबी जैकेटें जो आपके घुटनों तक को कवर कर ले और बाद अवकात उससे भी नीचे, ताकि आप शुरू के दिनों में अगर गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस में आपको देर भी है तो आप बस स्टॉप पर जब खड़े हों और जब आपको 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़े तो आप वो वक्त काट सकें और मौसम से लड़ सकें। इसी तरह ऐसे जूते आपको ख़रीदने होंगे जो उस मौसम में जहाँ 2-2 फीट बर्फ़ हो उस पर आप वॉक करके आगे जा सकें। आमतौर पे लोग अपने मालिक से लेदर जैकेट ले आते हैं और समझते हैं कि वो उनको बचा लेगी, लेकिन लेदर जैकेट जो होती है वो फैशन के लिए होती है, कम सर्दी के लिए होती है। कनाडा की सर्दी के लिए वो जैकेटें बेकार हैं। और इसी तरह जो जिस मटेरियल से आपको वहाँ गर्म जैकेटें मिलेंगी वो यहाँ की -30 और -40 में काम नहीं करेंगी। यहाँ की मार्केट में जो गर्म कपड़े मिलेंगे आपके वहीं काम आएंगे, लेकिन शुरू के दिनों के लिए आप कुछ ला सकते हैं। कनाडा में अगर कोई नया आता है इंडिया पाकिस्तान से और उसको देखते हैं कि लोग हल्के कपड़ों में हैं या सैंडल पहनकर आ गया, चप्पल पहनकर आ गया, तो उसे समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है। उसे बताते हैं कि ये बहुत ही नामुनासिब बात है और तुम अपने आप को तकलीफ में डालोगे। अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो जब मैं आया था तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि देखो कनाडा में अगर कोई अच्छी जैकेट जो सर्दी से बचाने वाली हो उसके पास ना हो तो ये समझा जाता है कि या तो ये शख्स इंतहाई मफलूकुल हाल है, गरीब है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, खरीद ही नहीं सकता, या फिर वो बहुत बेवकूफ़ आदमी है, उसे इसका सेंस ही नहीं है। तो आप याद रखिए कि कनाडा में जो आपका सबसे मजबूत साथी होगा वो आपके गर्म कपड़े, आपके गर्म जूते, आपकी अच्छी सेहत, और अगर आप ड्राइविंग सीख कर आकर जल्दी लाइसेंस लेते हैं तो ये आपके काम आएगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं, लड़कों के साथ रहते हैं, तो आपके खाना पकाने की स्किल्स आपके काम आएगी।